एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दिस टाइम पीछे मिरर नहीं है और ड्रेस में जीन्स एंड टी शर्ट नहीं है। सो या दिस टाइम वी आर ऑन राजस्थान ट्रिप। आज हम लोग केसरिया जी में हैं। सो केसरिया जी में वी आर ऑल सेट टू गो फॉर पूजा एंड आफ्टर पूजा वी हैव प्लान टू गो टू उदयपुर। सो दो दिन उदयपुर स्टे है एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू सिरोही मेरा होम टाउन एंड उसके बाद फॉर नेक्स्ट टू डेज वी आर हियर इन राजस्थान एंड देन बैक टू पुणे। फाइनली मुझे एक मिरर मिल गया मेरा ब्लॉगिंग करने के लिए। सो हम एक्सपेक्टेड टाइम से अराउंड 1 आवर जल्दी पहुंच चुके हैं। सो प्लान्स आर चेंज। अभी हम लोगों ने जो शाम के प्लान्स रखे थे फतेहपुरा सर्कल, सुखाड़िया सर्कल, फतेह सागर लेक, वो सब ऑन ही है, बट वी वेरी वन मोर स्पॉट दैट इज सज्जनगढ़ फोर्ट। सो अ प्लान इज कि 5 o'clock तक वहाँ की एंट्री ओपन है एंड वी आर प्लानिंग टू मूव सून बिकॉज 4:13 हो गए, बट देर इज अ रीज़न फॉर डिले। चलो देन, चलो चलते हैं। एज ऑलवेज शी इज स्टिल लेट, बट जैसे ही कैमरे का मालूम पड़ा तो थोड़ा जल्दी कर रही है अभी। चलो आगे पैक कर देना। चलो चलो सो एक्सपेक्टेड टाइम इज 4:57। सज्जनगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए हमें 5 बजे से पहले एंटर करना है, अदरवाइज एंट्री इज क्वाइट डिफिकल्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली आज जो मेन रोड है वहाँ का वो भी क्लोज है, सो वी आर ड्राइविंग इट आउट फ्रॉम द न्यू रूट विच इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट। सो वी आर जस्ट ऑन टाइम। हम लोग को लगा था हम लोग काफ़ी लेट होंगे, बट इट्स स्टिल 4:46। वी हैव 14 मिनट्स इन अवर एंड। सो लेट्स बाय द पासेस एंड लेट्स एंटर द फोर्ट। Here we are done with Sajjangad Fort. Now we are traveling to Fateh Sagar Lake. Fateh Sagar Lake generally evening hours में काफ़ी अच्छा दिखता है, even if it is sunset तो भी काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा यहाँ का। So this is an extreme border of Fateh Sagar Lake. जैसे ये border cross होगा तो we will be in the main Fateh Sagar Lake. Getting alongside the edges of Fateh Sagar, काफ़ी कुछ change हो गया है यहाँ पे। इट्स लाइक 5 ईयर्स के पहले मैं यहाँ पर था, अब 5 साल बाद जब देख रहा हूँ तो बहुत चेंजेस हैं, बट शी सेम। क्या देख रहे हो फ़ोन में? वीडियो। ये रील्स, दिस इज़ अ न्यू एंट्री एक्वेरियम, पहले नहीं था ये, इट्स 1.5 ईयर ओल्ड ओनली। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट दे ऑफर अस। सो एज वी सी देयर इज फिश स्पा and many more things. Let's inquire about the tickets and the process involved. Okay, so these are the activities which are here.
वी हैव 3D फोटोग्राफी, फिश स्पा, स्केच आर्ट गैलरी एंड ऑल दिस थिंग्स. सो इट्स अराउंड 2 किलोमीटर लॉन्ग अंडर द सन एक्वेरियम एंड इट्स अ डे नाइट टूरिस्ट एज वेल. चलो लेट्स गो एंड सी. प्राइस काफ़ी नॉमिनल रखा है इन लोगों ने. 143 रुपीज़ पर हेड इज़ द कॉस्ट फॉर इंडियन सिटीजन. फाइनली बैक टू द होटल फ्रॉम द हेक्टिक डे. बहुत सारी प्लेसेस कवर कर दी. सो वी आर डन विद फतेह सागर लेक, वी आर डन विद पिचोला लेक, वी आर डन विद सो मैनी प्लेसेस इन द जयपुर. ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो गई. जो लिमिटेड बची है वो कल सुबह कवर हो जाएगी. सो डन फॉर द डे. बहुत ही टायरिंग डे था, बहुत सारा ट्रैवलिंग था. होप कल इससे ज़्यादा मज़े करें. स्टे ट्यून्ड. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे टू. इस टाइम थोड़ा जल्दी उठ गए क्योंकि आज सिर्फ ही ट्रैवल करना है एंड उदयपुर में 2 प्लेसेस भी कवर करनी है. सो फॉर द ब्रेकफास्ट वी आर गोइंग टू माय फेवरेट प्लेस दैट इज जैन पोहा उदयपुर. एंड पोस्ट दैट सिटी पैलेस का प्लान है एंड उसके बाद वी विल गोइंग टू सिरोही. सो यहाँ सिरोही में मॉम डैड आया हुआ है तो आई एम ऑल्सो ईगर टू गो जल्दी एज क्विक एज पॉसिबल. एंड मीन टाइम वी नीड टू कवर एज वेल दीज 2 प्लेसेस. सो स्टे ट्यून फॉर द होल डे, यू विल एंजॉय इट. आज भी हम लेट होने वाले हैं क्योंकि कोई सो रहा है अभी तक. ओ शीघ्र एक क्या कर रहे हो तुम? टाइम पास. सुबह उठ के इंस्टाग्राम रील्स कौन चलाता है? वेकेशन पे आए हैं, सुबह उठ के टाइम पास ही करते हैं. वो हर दिन वेकेशन पे होती है बट नाटक है सिर्फ स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम. इसके अलावा कुछ नहीं रखा है इसकी जिंदगी में. तेरे पास नाइट ड्रेस नहीं है? कल रात का ड्रेस पहनी सो गए. नाइट ड्रेस ही है. शिट यार, क्या हो सकता है इसका आगे. टाइम फॉर चेकआउट. जल्दी जल्दी सब चीज़ें सामान अबेर के निकलना है यहाँ से. स्टिल नेहा इज नॉट रेडी. आज का बहाना आज तो सबने देख लिया सुबह सुबह इंस्टाग्राम एंड क्या क्या यूज कर रहे थे आप उस कारण लेट. लेट्स गो फॉर इधर तो कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है. टॉवल लेना है क्या साथ में इनका? इधर मेकअप किट पड़ा है नेहा का. मेकअप किट नेहा. स्टे वॉज क्वाइट अमेजिंग. प्लेस भी काफ़ी अच्छी थी. वी गॉट इट फ्रॉम मेक माई ट्रिप. इट्स अमंत्रा कम्फर्ट. इट्स नियर सुखाड़िया सर्कल. काफ़ी अच्छी हॉस्पिटलिटी थी यहाँ पे. Here we are to the final place of Udaipur, City Palace. So we have done with the ticket formalities for the City Palace and now we are entering the main gate of City Palace. We are in bit of hurry because jitna late karenge utna hi garmi ho jayegi yahan pe. And yahan pe car parking ke baad we need to walk across around 1 kilometer. So jitna jaldi pahunchenge utna hi acha rahega.